गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ हैलो एल्किन्स एंड हैलोरेन्स क्लास 12 साइंस केमिस्ट्री. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो वी हैव टू स्टडी दिस स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स एंड टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट वी नीड टू लर्न सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड द नोटेशंस लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड द रेसिमाइजेशन. फाइन. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी? अ प्लेन ऑफ plane polarized light produced by passing ordinary light through Nicol prism is rotated when it is passed through the solution of certain compounds. So अगर आप कुछ compounds के solution में से plane polarized light pass कराएँ तो plane polarized light जो है plane polarized light जिसके हम PPL बोलते हैं ये तभी बनेगी जब आप इसे Nicol prism से pass करेंगे. जब किसी भी ordinary light को when you pass through the Nicol prism इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिज्म जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करता है. मीन्स वो लाइट जिसकी वाइब्रेशंस जो है एक ही डायरेक्शन में हों, तो वो लाइट अगर वो कंपाउंड उस लाइट को रोटेट कर दे इट मीन्स दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव. फाइन. एंड सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड पोलारीमीटर. तो आप उस एंगल को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं? दैट इज द पोलारीमीटर. If the compound rotates the PPL to the right, that is clockwise, it is called dextrorotatory. And if that is deform, small deform, and it is indicated by positive sign before the degree of rotation. If the light is rotated towards left, that is anti-clockwise direction, the compound is said to be levorotatory, or the I form with a negative sign is placed before the degree of rotation. So positive and negative isomers of a compound are called optical isomers, and the phenomena is termed as the optical isomerism. सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हमने जो आइसोमेरिज्म पढ़ा है 11th क्लास में, ऑप्टिकल नहीं पढ़ा, बाकी हमने ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एटसेट्रा हमने आइसोमर्स पढ़े हैं एक्सेप्ट द ऑप्टिकल. सो इन 12th क्लास वी आर गोना स्टडी अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज एल एन दी डी. फाइन. माइनस रिप्रेजेंट्स द स्मॉल एल, दैट इज लेवरोटेटरी, प्लस रिप्रेजेंट द स्मॉल डी विच इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. एल मीन्स द लाइट विल बी रोटेटेड इन लेफ्ट डायरेक्शन, डी मीन्स लाइट विल बी रोटेटेड इन द राइट डायरेक्शन. फाइन. Now William Nicol developed a first prism that produced the plain polarized light. तो ये William Nicol था जिसके नाम पर Nicol prism पड़ा है. ये prism special है because ये plain polarized light produce करता है. Now molecule asymmetry, chirality and the enantiomers के बारे अगर में हम अगर पढ़ें तो Louis Pasteur है, he observed certain crystals of certain compounds exist in the form of mirror images, laid the foundation of modern stereochemistry. इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अपने ही मिरर इमेजेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसी की वजह से आपका मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी गई. सो ही इज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ क्रिस्टल शोड ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल इन मैग्नेट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो इसने ये चीज़ देखी कि दो क्रिस्टल जब उसने लिए जो दोनों की मिरर इमेजेस थी और जब उनको उसने प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू पास कराया तो उसने देखा कि दोनों ही ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहे हैं बट उनकी ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू मीन्स एंगल की वैल्यू जिस एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रही है इधर इन द लेफ्ट और द राइट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. फाइन. एंड जो सॉल्यूशन लिखा दैट मस्ट बी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन. सो ही बिलीव दैट दिस डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी वॉज एसोसिएटेड विद द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल और द कॉन्फिग्रेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स. सो उसने ये बिलीव किया कि जो डिफरेंस आ रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी में दो कंपाउंड्स की वो इस वजह से है कि उनका जो डायमेंशन है या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, डायमेंशन अरेंजमेंट जो है एटम का इन स्पेस में वो थोड़ा सा डिफरेंट है. सो डिफरेंट होने की वजह से मॉलिक्यूल दो टाइप की ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर रहा है या दो टाइप की कॉन्फिग्रेशन वो शो कर रहा है. कॉन्फिग्रेशन मीन्स अगर मीन्स दैट इज द स्पेशल अरेंजमेंट मीन्स स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स. नाउ डच साइंटिस्ट जे वैंडॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट सी ली बेल इन द सेम ईयर इंडिपेंडेंटली आर्ग्यूड दैट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फोर ग्रुप्स अराउंड अ सेंट्रल एटम इज टेट्राहेड्रल एंड इफ ऑल द सब्स्टिट्यूट अटैच्ड टू दैट कार्बन आर डिफरेंट द मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑन द मॉलिक्यूल. सच ए कार्बन इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर. सो इनके बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट रही तो इंडिपेंडेंटली इन्होंने आर्ग्यूमेंट करी और उन्होंने बोला कि अगर कार्बन की चार वैलेंसी है और चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री उसकी रहेगी. तो इन केस इफ ऑल द फोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट तो मिरर इमेज जो है एक मॉलिक्यूल की दूसरे पे से ऊपर इम्पोज नहीं करेगी या ओवरलैप नहीं करेगी. तो अगर कार्बन के पास चारों ग्रुप डिफरेंट रहते हैं उस केस में आपका कार्बन विल बी एसिमेट्रिक और द स्टीरियो सेंटर इन दैट केस
the mirror image of the molecule is not superimposed or the overlap. And if mirror image of the molecule is not superimposed, it means that molecule is chiral. So resulting molecule would lack symmetry. So it means molecule mein symmetry nahi hai because that is not superimposing, and referred to as the asymmetric molecule. And the asymmetry of the molecule along molecule the asymmetry of the molecule along with non-superimposability of mirror images is responsible for the optical activity in such organic compounds. तो क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में एसिमेट्री है और उनके मीन्स अगर आप इनका स्पेस मैनेजमेंट देखें तो अरेंजमेंट करने के बाद इनके जो मॉलिक्यूल्स है या टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सुपर इम्पोज नहीं होती. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एसिमेट्री है और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं वही मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं. फाइन दैट एंड बेसिकली दैट इज़ द क्राइटेरिया. सुपर इम्पोजिबिलिटी एंड द एसिमेट्री इज द क्राइटेरिया एंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यानी कि यही कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकल लाइट को या पीपीएल लाइट को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. अगर सिमेट्री होगी तो नहीं करेंगे, सिमेट्री होगी तो लेफ्ट राइट दोनों इक्वली रोटेट करेंगे. लेकिन अगर एसिमेट्री होगी तो किसी एक डायरेक्शन में आपका रोटेशन ज़्यादा रहेगा. जिस डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगा तो वो लेवो और डेक्स्ट्रो अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन रहेगा. Fine, and Jacobus Hendrikus Wentorf received the first Nobel Prize in Chemistry in 1901 for his work on solutions. Now, chirality का यहाँ diagram draw किया हुआ है. An object that cannot be superimposed on his mirror image, you can see, is called chiral. तो आप देखें दो hands हैं हमारे, एक hand की mirror image बनाई हुई है. अगर आप इसको एक के ऊपर एक रखें तो that will not be superimposable. So, chiral objects are non-superimposable mirror images and non-chiral objects are superimposable mirror images. You can see these two glasses or these two circles, you can see they are superimposable. So, they are not chiral. Fine. Your hands and feet are not, their hands and feet are chiral. Because hands and feet are chiral because they are not superimposable on each other. Now, the symmetry and asymmetry are also observed in many day-to-day objects. A sphere, a cube, a cone, all are identical to their mirror images and can be superimposed. However, many objects are non-superimposable to their mirror images. For example, your left and right hand look similar, but if you put your left hand on the right hand by moving them in the same plane, they do not coincide. The object which are non-superimposable on the mirror images, they are said to be chiral, and the property is known as the chirality. So if you see, if any compound is having the stereo center, or if their mirror images are non-superimposable, that means that compound is chiral and property is known as the chirality. Chiral molecules are optically active. If molecule is chiral, it will be optically active. If molecule is optically active, it means it has chiral center, or that is chiral. While the objects which are superimposable on the mirror images, that are called achiral, and these molecules are optically inactive. The above test of molecular chirality can be applied to organic molecules by constructing models and its mirror images, or by drawing 3D structures and attempting to superimpose them in our minds. तो ये जो टेस्ट है हम कर सकते हैं, खुद ही हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, मॉडल्स ड्रॉ करें, उसके मिरर इमेजेस को हम 3D स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करें, अटेम्प्ट करें उसको सुपर इम्पोज कराने का अपने ही माइंड में. मींस स्टीरियोकेमिस्ट्री इज बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये थिंक मींस जितना आप सोचेंगे कि कोई चीज़ कैसे उसके ऊपर मींस किस तरीके से आप मॉलिक्यूल के साइड एटम्स को अरेंज करें 3D स्ट्रक्चर में कि वो सुपर इम्पोज ना हो. सो बेसिकली ये आपको सोच के ही कंस्ट्रक्ट करके, अपने सोच में मॉडल कंस्ट्रक्ट करके आपको देख सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर उसका बना के अटेम्प्ट कर सकते हैं कि वो सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा. फाइन. सो ये टेस्ट आप अपने दिमाग में कर सकते हैं, उसको सोच के कर सकते हैं, और आप 3D को 2D में ड्रॉ करके भी देख सकते हैं. There are other aids, however, that can assist us in recognizing chiral molecules. और तरीके भी हैं देखने के लिए कि कोई molecule chiral है या नहीं है. One such aid is the presence of a single asymmetric carbon atom. Fine. तो अगर हम ये देख लें कि carbon atom उसमें है, और carbon atom if it is having the all the four different groups, it means it is asymmetric, and if it is asymmetric, it means there must be chirality. Now, let us consider two simple molecules, propantol, figure 10.5, and butanetol, figure 10.6, and their mirror images. So 10.5 mirror देखते हैं हम. B is the mirror image of A and B is rotated by 180 degree and C is obtained and C is superimposable on A. आप देख सकते हैं आपने कार्बन पे यहाँ पे if you see टू CH3 ग्रुप सेम है, H and OH is there. आपने मिरर इमेज ड्रॉ करे इस तरीके से, इसकी मिरर इमेज बनेगी. एंड when you rotate this mirror image by 180 degree, then what will happen? This image will be superimposed. It means that is not chiral. This is the structure of what? This is the structure of propantol. Fine. Now the next, if you see, as you can see very clearly, propantol A does not contain an asymmetric carbon, as all the four groups attached to it, to the tetrahedral carbon, are not different. Fine, they are not different.
We rotate the mirror image P to the of the molecule by 180 degree and try to overlap the structure C with the structure A. These structures completely overlap and thus propentol is an achiral molecule. So this is achiral molecule. So now you can see the figure now 10.6. You can see E is the C. This D, this is the butentol. One carbon is CH3, other is the C2H5, third H and the OH. Four groups are different. Here is the mirror image of this molecule, of this compound. Then you can see if you rotate this E compound by 180 degree, this compound will not be superimposed on the D. Fine. So E is not superimposable. If you rotate C, E molecule by 180 degree, this will be the configuration now. And if you place this molecule F on the D, it will not be superimposable. It means this carbon is asymmetric and this molecule is chiral. Fine. Now butentol has four different groups attached to the tetrahedral carbon and as expected is chiral. Some common examples of chiral molecules such as 2-chlorobutane, 2,3-dioxypropanol, bromochloroiodomethane, 2-bromopropanic acid, etc. Propanoic acid, etc. So all these molecules are having the asymmetric carbon, so they are chiral molecules. A chiral molecule and its mirror image is given in this form. You can see this is the, if you place this molecule above this, it will not be superimposable. Now next, stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images and are called enantiomers. Now you can see this is one molecule, this is the mirror image of this molecule. ये एक मॉलिक्यूल है, ये इसके मिरर इमेजेस है एंड ये इसके ऊपर सुपर इम्पॉसिबल नहीं है. सो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कैसा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, दैट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. फाइन, मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूल फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. सो स्टीरियो आइसोमर्स वो हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं बट आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं. सो दैट आर द स्टीरियो आइसोमर्स. सो बोथ टू आर द स्टीरियो आइसोमर्स. And these two stereoisomers, which are mirror images of each other and are chiral, they are known as the enantiomers. So, figure 10.7 A and B, in figure 10.5 and D, E and E, in figure 10.6 are enantiomers. So, these are the enantiomers. So, enantiomers are what? These are the basically non-superimposable mirror images. Non-superimposable mirror images of the compound, they are known as the enantiomers. Now, enantiomer possesses identical. क्या क्या आइडेंटिकल है अभी इसमें पढ़ लेते हैं. दे आई हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा. दे ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ द पीपीएल. इफ वन ऑफ द एनेंशियोमर इज रेट्रोरेटरी, द अदर विल बी द लेवो रोटेटरी. फाइन, सो दिस इज इट इन दिस पार्ट. इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस द फर्दर चैप्टर.